बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वैसे क्रोशे गाइड में आप सबको खुश आमदीद। मेरी जो आज की वीडियो है उसमें मैं ये आपको फ्लावर मोटिव किस तरीके से बनाते हैं ये बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैं 3 कलर्स यूज़ कर रही हूँ और 2.5 mm क्रोशे हुक यूज़ कर रही हूँ। मैजिक रिंग बनाएंगे। चेन थ्री बनाने के बाद 12 डबल क्रोशे बनाएंगे इस रिंग के अंदर। 1, ये काउंट नहीं होगी, चेन थ्री काउंट नहीं होगी एज अ स्टिच। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 डबल क्रोशिए। फास्ट डबल क्रोशिए में जाएंगे, नॉट इन चेन थ्री, ये चेन थ्री इसको स्किप करेंगे। फास्ट डबल क्रोशिए इसके टॉप स्टिच पर, स्लिप स्टिच, राउंड 2, चेन 3, नॉट काउंट एज अ स्टिच। और इसी स्टिच में जहां पे हमने स्लिप स्टिच बनाया था 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, राउंड 2 में टोटल डबल क्रोशिया 24 होंगे। हर स्टिच में हमें 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। 1 सेम स्टिच में, 2, 1, 2, 1 सेम स्टिच, 2। पैटर्न रिपीट करेंगे और ये राउंड मुकम्मल करेंगे। राउंड 2 हमारा कंप्लीट हो गया। आपने चेक करना है कि आपके टोटल 24 डबल क्रोशिए हो। चेन 3 स्किप करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है उसमें जाएंगे, स्लिप स्टिच बनाएंगे, राउंड 3, चेन 3, नॉट काउंट एज अ स्टिच। इस स्टिच में हमें सेम डबल क्रोशिया बनाना है, 1 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, 1, 2, नेक्स्ट 1, नेक्स्ट स्टिच में 2 टाइम डबल क्रोशिया, 1, 2, नेक्स्ट 1, नेक्स्ट स्टिच में 2 टाइम डबल क्रोशिया। टोटल हमारे जो स्टिचेस राउंड 3 में है 36 स्टिचेस होंगे। 1, 2, 1, 2, 1, 2 पैटर्न रिपीट करेंगे। राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। राउंड 3 टोटल जो स्टिचेस हैं 36 स्टिचेस हैं। चेन 3 को स्किप करेंगे, फर्स्ट स्टिच में जाएंगे डबल क्रोशिए में, स्लिप स्टिच, राउंड 4 स्टार्ट करेंगे। चेन 3, 1, 2, 3, नॉट काउंट एज अ स्टिच, सेम स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, 1, 2, नेक्स्ट 1,
वन, नेक्स्ट स्टिच में टू टाइम डबल क्रोशिया, वन टू, वन वन, नेक्स्ट स्टिच में टू टाइम डबल क्रोशिया, वन टू, और पैटर्न रिपीट करेंगे। टोटल हमारे राउंड फोर में 48 स्टिचेस होंगे। राउंड फोर हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट डबल क्रोशिया में जाएंगे, स्लिप स्टिच, राउंड फाइव स्टार्ट करेंगे। चेन थ्री, वन टू थ्री, नॉट काउंट एज अ स्टिच, सेम स्टिच में वन टाइम डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में वन, नेक्स्ट स्टिच में वन टाइम डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में टू टाइम डबल क्रोशिया, वन, सेम स्टिच में टू, वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टू टाइम डबल क्रोशिया, वन टू, सेम पैटर्न रिपीट करेंगे। राउंड फाइव में हमारे टोटल स्टिचेस जो हैं वो 60 स्टिचेस होंगे। राउंड फाइव में वन वन वन, थ्री टाइम वन डबल क्रोशिया और टू टाइम सेम स्टिच में डबल क्रोशिया, वन 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 टू, और ये पैटर्न रिपीट करेंगे। स्लिप स्टिच बनाएंगे फर्स्ट डबल क्रोशिया में, नॉट इन चेन थ्री, चेन थ्री, वन टू थ्री, नॉट काउंट एज अ स्टिच, सेम स्टिच में वन टाइम डबल क्रोशिया, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्टिच में वन टाइम डबल क्रोशिया, नेक्स्ट वन टाइम डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में टू टाइम डबल क्रोशिया, वन, सेम स्टिच में टू, वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्टिच में टू टाइम डबल क्रोशिया, वन, और इसी में टू। राउंड सिक्स में हमारे टोटल स्टिचेस जो होंगे वो 72 स्टिचेस होंगे। फोर टाइम डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में टू टाइम डबल क्रोशिया, फोर टाइम डबल क्रोशिया, नेक्स्ट टू टाइम डबल क्रोशिया, और सेम पैटर्न जो है रिपीट करेंगे। ये देखिए राउंड सिक्स हमारा कंप्लीट हो गया। टोटल हमारे स्टिचेस जो हैं 72 स्टिचेस हैं। फर्स्ट डबल क्रोशिया में जाएंगे, स्लिप स्टिच, चेन वन, लेट्स गो, आप किसी भी स्टिच से हम जो है वो स्टार्ट ले सकते हैं। डबल क्रोशिया से इसको आप चाहे नॉट लगा लें, चेन फाइव बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, और इसी में, इसी सेम स्टिच में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट टू स्टिचेस स्किप करेंगे, वन टू थ्री जो है डबल क्रोशिया उसमें जाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन, चेन टू, वन टू, और इसी चेन, इसी डबल क्रोशिया में जहां पे हमने डबल क्रोशिया बनाया है सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। नेक्स्ट वन टू स्टिचेस स्किप करेंगे, थर्ड जो स्टिच है उसमें जाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन टू, सेम स्टिच में वन टाइम डबल क्रोशिया, नेक्स्ट
वन टू स्किप करेंगे, थर्ड स्टिच में डबल क्रोशिया, चेन टू, सेम स्टिच में डबल क्रोशिया, पैटर्न रिपीट करेंगे। ये देखें, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। ये जो हमारा फर्स्ट चेन फाइव हमने बनाई थी, वन टू थ्री चेन पे जाएंगे, स्लिप स्टिच, चेन वन, और ये सेंटर में आ जाएंगे, सिंगल स्टिच। ये जो टोटल हमारे ये जो ये वी हैं, ये 24 वी हैं। देखें, अब हमने जो ये वी है हमारा फर्स्ट चेन थ्री है, यहां पर हम फाइव टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव टाइम हमने डबल क्रोशिया बनाया। अब ये जो हमारा सेंटर था जहाँ पे हमने टू टाइम डबल क्रोशिया बनाया था, यहाँ पर टू टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू, नेक्स्ट जो ये डबल क्रोशिया है हमारे सामने, यहाँ पर हम फाइव टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। ये देखें, नेक्स्ट जो नेक्स्ट वी है इसके सेंटर में जाएंगे, चेन टू स्पेस जो थी यहां पर हम एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, नेक्स्ट जो ये डबल क्रोशिया है इस पे, इसके नीचे से हमने यहां से आना है और फाइव टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। वन टू थ्री फोर फाइव। ये देखें, जो सेंटर में हमारे टू टाइम हमने जहां पे डबल क्रोशिया बनाया था, सेम स्पेस पे हम यहां पर टू टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन इसी में, टू, नेक्स्ट ये डबल क्रोशिया है, यहां पर हम फाइव टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। नेक्स्ट जो नेक्स्ट वी है सेंटर में जाएंगे, सिंगल स्टिच, और जो ये नेक्स्ट ये है यहाँ पर फाइव टाइम डबल क्रोशिया, सेम यही पैटर्न हम रिपीट करेंगे। ये देखें, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट स्टिच में मैंने सिंगल स्टिच बना लिया, और यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट जहाँ से हमने ये शुरू किया था, स्टार्टिंग पॉइंट जो था हमारा, यहाँ पर एक स्लिप स्टिच, इसको कट कर देंगे। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे, स्लिप नॉट,
किसी भी आप ये जो पैटर्न है इसमें से भी आप शुरू कर सकते हैं किसी भी से। स्लिप स्टिच, चेन 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, चेन 9, 3 जो है जो हमारी 3 चेन है, 1, 2, 3। इसमें हम एक डबल क्रोशिया, 1 इसी चेन स्पेस में 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 इसमें 3, नेक्स्ट चेन में 3 टाइम डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, नेक्स्ट चेन में 3 टाइम डबल क्रोशिया, 1 इसी चेन स्पेस में 2, 3, नेक्स्ट चेन में 3 टाइम डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, नेक्स्ट चेन में 3 टाइम डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, नेक्स्ट चेन 1, 2, 3, ये देखिए इसको हम रोल करेंगे। और इसी चेन स्पेस में जहाँ पे हमने ये बनाया है इसी में जाएंगे और एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। नेक्स्ट चेन 2, 1, 2, दोनों पेटल के सेंटर में सिंगल स्टिच। नेक्स्ट चेन 2, सेंटर में आएंगे जो ये हमारी चेन स्पेस है यहाँ पर सिंगल स्टिच, चेन 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जो हमारी 1, 2, 3 चेन है इसमें हम 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम स्पेस में, 1 डबल क्रोशिया इसी में, 2, 3, नेक्स्ट चेन में 3 टाइम डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, नेक्स्ट चेन में 3 टाइम डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, नेक्स्ट चेन में 3 टाइम डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, नेक्स्ट चेन में 3 टाइम डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, नेक्स्ट 3 टाइम डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, नेक्स्ट चेन में 3 टाइम डबल क्रोशिया, 1 इसी चेन स्पेस में, 2, 3,
और अब हम इसको रोल कर देंगे। इसी में सिंगल स्टिच, चेन टू, सेंटर में सिंगल, नेक्स्ट चेन टू और यहाँ सेंटर में आ जाएंगे, सिंगल स्टिच, चेन नाइन बनाकर सेम पैटर्न रिपीट करेंगे। ये देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। चेन टू बनाने के बाद स्लिप स्टिच बना लिया, चेन टू, और जो ये फर्स्ट हमारा जहाँ पे हमारा फर्स्ट हमने ये बनाया था यहाँ पर जाकर एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। ये देखें ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको स्टिच कर लेंगे। इनको हम स्टिच कर लेंगे ताकि ये अपनी जगह सेट हो जाए। देखिए ये अपनी जगह फिक्स हो जाएंगे। आप किसी भी तरीके से इनको स्टिच कर सकते हैं। इनको स्टिच कर लें। ये देखिए मैंने इसको तमाम को जो है बर्ड को जो हमने स्टिच कर लिया है। अब जो ये हमारे 1, 2, 3 जो ये राउंड है, राउंड 3, इसके बिल्कुल जो हमारा डबल क्रोशिया था इसके हम सेंटर में चले गए हैं। नेक्स्ट बल लेकर वापस आएंगे, स्लिप स्टिच, नेक्स्ट स्लिप स्टिच, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, नेक्स्ट स्लिप,
स्लिप स्टिच, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लिप स्टिच, इसके हम राउंड ये स्लिप स्टिच बना लेंगे। ये कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने इसको तमाम पे हमने स्लिप स्टिच बना लिए राउंड में। इसको और इसको हम स्टिच कर लेंगे। ये देखें इसकी कंप्लीट लुक। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे थम्स अप जरूर दबाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।